हेलो क्लास, आई एम गार्गी गुप्ता। आज का हमारा क्लास का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट वर्सेस सेविंग। सो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में क्या डिफरेंस है, हमें दोनों में से क्या चूज करना चाहिए, वो हम इस क्लास में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेविंग से स्टार्ट करते हैं। आखिर सेविंग होती क्या है? सेविंग का मतलब जो भी आपको इनकम हुई है उसमें से आपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उन्हें माइनस कर देना, उसके बाद जो माइनस करके जो बचेगा वो होगा आपका सरप्लस, और यही सरप्लस आपका कहलाएगा सेविंग। सो आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, या आप कहीं टूर पे गए हैं, आपने शॉपिंग की है, आपके चिल्ड्रंस के एजुकेशन, आपकी खुद की एजुकेशन, ये जो भी आपके एक्सपेंसेस जितने भी हुए हैं इन्हें माइनस कर देना इनकम में से, और जो भी बचेगा वो आपका सरप्लस सेविंग कहलाएगा। ये से आप इसको ना एक छोटे से डे टू डे लाइफ के हमारे एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपकी इनकम होती होगी, डेफिनेटली आप कुछ अर्न करते होंगे। नहीं तो आप अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है तो आपके फैमिली में कोई ना कोई तो होगा, आपका ब्रदर या पेरेंट्स। सो वो क्या करते हैं, जब भी उनकी इनकम होती है स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में उनकी एक इनकम होती है, और मंथ के एंड में वो अपने सारे एक्सपेंसेस अपने पास नोट करते होंगे, और वो क्या करते होंगे इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद वो देखते होंगे आखिर हमारे पास कितना कैश बचा है, कितना हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है, तो उस रिमेनिंग वैल्यू को वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। यही बैंक में डिपॉजिट करने वाली वैल्यू आपकी जो भी, यही आपकी सेविंग में, यही आपकी सरप्लस वैल्यू में। अब हम समझते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस एक छोटे से एग्जांपल से। एक एग्जांपल लेते हैं आम की गुठलियां। अब आम की गुठलियों का यहाँ क्या लेना देना मैम? अब आम की गुठलियां ऐसे मान लीजिए, आम की गुठलियों को आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसमें एक बॉक्स में बंद करके रख दें, या दूसरा उन्हें जमीन में गाड़ दें, बो दें। अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड? अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है तो ये बहुत ही बेवकूफी भरा काम होगा। भला आम की गुठलियों को बक्से में, बॉक्स में बंद करके रख देने में क्या फायदा है, उन्हें जमीन में गाड़ देते हैं ना, ताकि इन फ्यूचर वो जब ग्रो करें तो वो एक ट्री में बन जाए और आपको आम दें। तो बेनिफिट किससे मिलेगा आपको, ट्री से। अब इसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट से समझते हैं, इससे रिलेट करते हैं। सेविंग आपकी हुई आम की गुठलियों को बॉक्स में बंद करने जैसे। आपने अपनी सेविंग बैंक अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में रख दी। अब वहां पे एक तरह से वो रखी गई और उसमें आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, बट वो क्या इतना इंटरेस्ट मिल रहा है कि आपका मतलब बेनिफिट हो रहा है उस इंटरेस्ट से? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसी हिसाब से आपकी महंगाई भी बढ़ रही है। अगर आज से 10 साल बाद की बात करें तो जितना आपको इंटरेस्ट मिला होगा उतना ही आपकी तब तक महंगाई भी बढ़ चुकी होगी, तो आपको ओवरऑल कोई बेनिफिट नहीं हुआ अपने मनी को सेविंग सेव करने में, बैंक अकाउंट में रखने से। लेकिन अगर आप यही दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, आम की गुठलियों को जमीन में बो देते हैं, तो जैसे ट्री आम के मिले ना आपको ट्री से, वैसे ही आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट वर्क करेगा। आपने अपना मनी इन्वेस्ट कर दिया, एक फ्यूचर गोल हम ले लेते हैं वर्ल्ड टू, जो आज से 10 साल बाद है, और उसमें आपको 60 लाख रुपीस चाहिए, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन, आप क्या करेंगे, 6 लाख रुपए हर साल 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, ताकि 10 साल बाद आपको 60 लाख रुपीस मिल सके। कैसे? 6 लाख इंटू 10 ईयर्स, तो आपके 60 लाख रुपीस हो गए। बट क्या एक्चुअल में 60 लाख रुपीस ही आपके 10 साल बाद की वैल्यू होगी? नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन रेट भी लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल 6% इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट लग रहा है, तो 10 साल बाद आपकी इस वर्ल्ड टूर की वैल्यू 99.5 लाख अप्रॉक्स होगी। सो आपके 6 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करना, सेव करना कोई फायदेमंद नहीं है। आप बैंक अकाउंट में सेव कर रहे हैं तो कोई फायदेमंद नहीं है, वहीं अगर आप इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 99.5 लाख रुपीज का अपना वर्ल्ड टूर आप अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलेगा इन्वेस्टमेंट से, और आपका इन्फ्लेशन रेट उतना नहीं बढ़ेगा। 10 साल बाद आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगी, आप इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लेशन को, महंगाई को जल्दी बीट कर पाएंगे, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट चूज करें। स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, दोनों ही नाम हमने बहुत सुने हैं, और हम अपना करियर भी इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, बट करें कैसे, ये प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, केवल स्टार्ट करने के लिए ही नहीं, स्टार्ट करने के बाद के भी। सो उसका एक सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन कोर्स, जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम इक्विटी, डेट, पोर्टफोलियो बनाना, इसके अलावा टेनर रेशियो, शार्पे रेशियो जैसे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं।
सो आज ही ज्वाइन कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए। अब इन्वेस्टमेंट के कुछ गोल्डन रूल्स हैं कि आप अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट में कैसे इन्वेस्ट करें, कन्वर्ट करें, और उसके लिए आपके कुछ गोल्डन रूल्स हैं। फर्स्ट, आप अपना गोल डिसाइड करें। सेकंड, आपको उस गोल के लिए आपको उसमें कितने अमाउंट चाहिए, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे वर्ल्ड टूर का आपको दिया 60 लाख रुपीज या 99.5 लाख रुपीज हम बात करें अगर महंगाई के इंक्रीज की, तो आपको इतनी अमाउंट चाहिए। और अब क्या करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करेंगे कि आपके लिए इस गोल को अचीव करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा अच्छा है। एंड देन आप उसमें डिसिप्लिन में आप अपने कंटिन्यूअसली एक रेगुलर टाइम पे अपने जो भी आपकी डिसाइड हुई है इन्वेस्टमेंट टाइम के हिसाब से आप कंटिन्यूअसली उसमें इन्वेस्ट करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। अगर आपने डिसिप्लिन रही रहे और अपनी इन्वेस्टमेंट मिस कर दी, किसी एक आपने अपनी अमाउंट कोई एक किश्त आपने अपनी मिस कर दी, तो आपका क्या होगा, वो आप अपने गोल से थोड़ा पीछे हटते चले जाएंगे। जितना जितना आप अपना डिसिप्लिन आप खोते जाएंगे, जितने आप कंटिन्यूसली नहीं अपने इन्वेस्ट करेंगे, उतनी आप अपने गोल से दूर होते जाएंगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए आपको इन गोल्डन रूल्स को ध्यान में रखना है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है अपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूसली करते रहना है, उसे स्किप नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां सेविंग आपको गोल डिसाइड करने में हेल्प करता है, वहीं इन्वेस्टमेंट उस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। सो मेरा मानना यह है कि आपको सेविंग करनी चाहिए, लेकिन सेविंग के अमाउंट कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। आपको साथ के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसका आपका रेशियो, जो आपकी एक्सपेंसेस के बाद जो भी आपका रेशियो बचा, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए। मान लीजिए आपको क्या करना चाहिए, आपको 30% आपको सेविंग करनी चाहिए, 70% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्सपेंसेस भी आप जो जरूरी है वो करें, फालतू के एक्सपेंसेस ना करें आप, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने पास आपके पास सरप्लस बचे और ज्यादा से ज्यादा आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर पाए अमाउंट। सो इन कुछ बातों का आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग के टाइम पे ध्यान रखना है, और यही आपके डिफरेंस भी है। अगर हम यह इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका एक प्रोसेस है मनी को यूज करने का, जहां आप अपने गोल को एम करके आप गोल को आप अपने एम करके और उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं और उसे ग्रो होने देते हैं। वहीं सेविंग जो है अपने मनी को एक साइड में रख देना कहलाता है, जैसे कि आपने अपने बैंक अकाउंट में रख दिया पैसा जो है बैंक अकाउंट में रख दिया, किसी इमरजेंसी फंड को पूरा करने के लिए। अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए आपके कोई, आपको इमरजेंसी में जरूरत है, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट हेल्प नहीं करेगी, वो सेविंग हेल्प करेगी। इसलिए दोनों ही आपको करने चाहिए, तो सेविंग आपके वहां पे इमरजेंसी फंड्स को पूरा करने में हेल्प करेगी। इन्वेस्टमेंट आपके हो गए, जैसे कि आपने गोल्ड खरीद लिया या आपने स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज या शेयर्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया। सेविंग आपने किसी बैंक अकाउंट में सेव अपनी मनी सेव किया, और लिक्विड फंड अकाउंट में आपने उसे मनी को सेव करा। पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है कि यह आपको अच्छी रिटर्न देता है, आपके कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वहीं सेविंग आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को या इमरजेंसी फंड्स को मीट करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों में ही रिस्क हाई होता है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सेविंग्स। लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट में कम है, सेविंग में ज्यादा है। मीन्स कि आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, तो आप अपने कैश को, जो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसे कैश करने में इमरजेंसी के टाइम पे आपको टाइम लगता है, जबकि सेविंग में आपका इमरजेंसी से आप अगर इमरजेंसी है तो सेविंग आपकी इमीडिएटली हेल्प करते हैं, इमीडिएटली लिक्विड हो जाता है, इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा टाइम से कंज्यूमिंग होता है, और सेविंग आप बैंक में गए, अपने अकाउंट से आपने कैश निकाला और अपने जो भी आपके शॉर्ट टर्म नीड्स है या आपकी कोई इमरजेंसी है उसे आपने पूरा कर लिया। सो ये आपकी इन्वेस्टमेंट वर्सेस सेविंग हुई। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।